वंदे मातरम। एक ऐसा जिसने की लिस्ट में टॉप किया है हिंदुस्तान के अंदर पिछले 20 से 30 साल की अगर बात करें तो नंबर वन हरामखोर गद्दारों में से एक है। कोर्ट का ऑर्डर है कि उसको पेश किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जब वो आया पिछली बार तो उसको भारत के महामहिम की तरफ से आदेश निकला कि इसको कोर्ट में पेश ना किया जाए, जिसको सजा हो चुकी है सजाए मौत ट्रायल कोर्ट से। लेकिन कैसे कैसे कमाल के साथी, उसके समर्थक और कौन इसका पैसा फंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है इंक्वायरी का। और इसके बाद इस आदमी को समर्थन भी करते हैं, और ये वो है जिसने कई मासूम बच्चों को भड़का के और कश्मीर में उनको फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन मासूम नहीं थे, मासूम कब तक थे, जब तक हथियार नहीं उठाया। और जब हथियार उठाए कहे के मासूम, तुम गोली चलाओगे तो क्या फौज उधर पे, क्या पत्थर खाने के लिए। तो एक तो ये है। अब क्यों आज विशेष दिन है, पाकिस्तान वालों को भी पहले एक संदेश दे दूं, फिर जरा बहुत इकट्ठे हुए हैं इसके समर्थन, बहुत समर्थन में ना, क्योंकि पाकिस्तान वालों को इस बात की बधाई। क्यों भाई, तुम लोग क्या बोलते हैं, याद है 5 अगस्त 2019 याद है क्या हुआ था? तुम लोग कहते हो कि डेमोक्रेसी की हत्या हुई, क्यों? क्योंकि 370 हटा दी गई थी, इसी दिन बिल पेश हुआ था ना, दूसरे दिन पारित होके लागू हो गया था, कश्मीर में 370 हट गई थी। और आज क्या हुआ है तुम्हारे इधर? अब तुम लोग खुद की देखो बे, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हो कि हम लोग डेमोक्रेसी की, अरे हमारी डेमोक्रेसी की बात करते हो, तुम्हारी तो डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी। तुम्हारा खुद का प्रधानमंत्री चिंदी चोरगिरी में सामान बेचने के चक्कर में गया, चिंदी चोरगिरी में गया है। और असली है, सही है, गलत है, वो तुम लोग की है, तुम लोग की हेडिंग, जो करना है करो। आम आवाम को बहुत बहुत बधाइयां कि तुम्हारे दर फिर से एक बार भ्रूण हत्या संविधान की, तुम्हारे ना कितनी बार किया है तुम लोगों ने। जो यहाँ का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, NIA कोर्ट ने जिसको फांसी के लिए डिमांड किया है, CBI की कोर्ट में इसको पिछली बार लेकर गया था, जहाँ पर उसके लिए एक आदेश निकला कि तिहाड़ जेल से इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ये बाहर जाएगा दिल्ली के। नाम इस का, इस कोर का, अब बात बोलता हूँ मैं दिलेरी से बे, हो साले जो खड़ते बने मेरा उखाड़ लेना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बहुत तुम जैसे लंबे लपाड़ी, बहुत आतंकवादी बहुत देखे बे, तुम्हारी ऐसी की जैसी। नाम है यासिन मलिक। कन्हैया सुन बे, तेरी तो और तेरे जो समर्थक हैं, अच्छा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कश्मीर में हैशटैग चलाया जा रहा, पोस्टर चलाया जा रहा है पाकिस्तान में इसके समर्थन में, सेव यासिन मलिक। काहे को सेव बे, लफड़ा ये है ना जो लोग चुप हैं। अच्छा और इसकी जरा कारनामे भी तो सुन लीजिए, क्या सेक्शन है इसके पता है तुम्हें? एक भी गूगल करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कितना मासूम हरामी है ये यासिन मलिक। तेरी आतंकवादी बना फिरता साले। अब सुनो, 120, 121, 120B, 121A लगा है इसके ऊपर IPC का, और किसके साथ रीड हो रहा है? वो रीड हो रहा है UAPA के साथ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA लगा हुआ है इसके ऊपर। उसमें क्या पढ़ा जा रहा है? उसका 17, 18, उसके बाद 37, 38 वो पढ़ा जा रहा है, उसके बाद 120B शुड बी रेड विद 13 and 15 ऑफ द UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसको पता है किसमें गया है, किसमें अरेस्ट हुआ था? NIA ने। हाँ लेकिन NIA की तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, क्यों? क्योंकि लगे हुए इधर पे पता नहीं सारा क्या क्या सर्कस दिखाने के लिए। NIA के कितने लोगों ने, कितने लोग शहीद होते हैं पता भी है? कभी क्लासिफाइड में आता है ना, ऐसी हमारी सीक्रेट सर्विसेज है, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऐसी एजेंसीज है, उनके बारे में कभी मत बताना ना, कभी सुनना, इंटरेस्ट ही नहीं आप लोग को। लेकिन इन को सेलिब्रिटी बनाया जाता है इस देश में, ऐसे आतंकवादियों को। मैं हमेशा से कहता हूँ साला पब्लिक होना चाहिए और फांसी की सजा मिनिमम है। मैं जो चाहता हूँ मैं बोलूंगा तो अभी वो बहुत सारी गाइडलाइंस के अगेंस्ट में चला जाएगा, लेकिन अगर किसी ने मुझे 5 साल 10 साल से जानता है तो मेरी मांग क्या थी, ये वही है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कुछ कहा था कश्मीर में। अबे तुम बे, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना देश में समझो, किस किस को सेलिब्रिटी इसको नेता बना के रखा था है ना, तो तेरी ऐसी की तेरे समर्थकों की है। खुल्ला घूमता हूँ बे, खुल्ला, समझ में आया?